हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है कोना इकमल के वीडियो में। तो आज हमारे पास है एक सैमसंग का डिवाइस जिसमें है नोटिफिकेशन पैनल की प्रॉब्लम, यानी कि जो नोटिफिकेशन जो पैनल होता है उसे स्क्रीन नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं तो वो निकल के आ जाता है। इस डिवाइस में ये दिक्कत है, वो निकल के नहीं आ रहा है। तो इसको करेंगे बड़ी आसानी से सही। आपके पास अगर कोई भी डिवाइस है तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मैंने आपको दिखा दिया ये यहाँ पर टच करके कहीं से भी जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको स्क्रॉल करने पर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करके देख लें, यानी बंद करके चालू करके देख लें, हो सकता है उससे भी ये समस्या का समाधान हो जाता है। मैं आपको इसमें चार ऑप्शन दिखाऊंगा जिससे कि आप अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं, जिनमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो ही फाइनल होगा। अगर किसी भी ऑप्शन के द्वारा आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो उससे 100% हो जाएगा। ये देखिए, ये भी अभी नहीं निकल के आ रहा है, यानी कि कहीं से भी स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ इसके जो ऑप्शन हैं, जो ऐप हैं, वो ही निकल के आते हैं, नोटिफिकेशन पैनल है वो निकल के नहीं आता है। तो उसके बाद जाना है हमें सेटिंग में, सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमारा जो डिवाइस है उसको अपडेट करना है। आप ऊपर से भी अपडेट कर सकते हैं, अगर ऊपर नहीं आता है तो नीचे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। यदि इससे भी नहीं होता है आपका डिवाइस, जो प्रॉब्लम है आपकी समस्या का समाधान वो इससे भी नहीं होता है, तो आपको फिर से दोबारा सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपको अपने डिवाइस में देखना है। यहाँ पर जाके जनरल मैनेजमेंट इस पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आकर रीसेट पर क्लिक करना है और उसके बाद रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। आपको अपना डिवाइस रीसेट नहीं मारना, सिर्फ रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके आपको जो आपके डिवाइस की जो सेटिंग है वो रीसेट कर देनी है। ध्यान रहे, ये जो ट्रिक है ये सभी सैमसंग के फ़ोन पर काम करेगी, ऐसा नहीं है किसी फ़ोन पर काम करेगी नहीं करेगी। हालांकि 99% जो डिवाइस हैं सैमसंग के उन पर सभी पर काम करेगी। इसका मेन कारण होता है कभी कभार जो स्क्रीन होती है या टच होती है ऊपर से काम करने बंद कर देती है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आपको आ जाती है। ये देखिए, मैंने रीसेट ऑल सेटिंग पे काम जो कर दिया है उसके बाद डिवाइस ऑन भी हो गया है। 99% समस्या समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये टच है हमारे जो डिवाइस है इसके ऊपर से वो दिक्कत कर रही है। उसके बाद मैं आपको एक फाइनल ऑप्शन बताऊंगा। ये देखिए, मैंने आपको तीन ऑप्शन बता दिए हैं, उसके बाद भी ये नहीं हुआ है। फाइनल ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको, जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको होम स्क्रीन पर जाना है और ये जो ट्रिक है ये 100% वर्क करने वाली ट्रिक है। उसके बाद आपको जाना है स्विप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको आपको इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद देखिए कमाल इसका, आप कहीं से भी स्विप डाउन करेंगे यानी स्क्रीन को नीचे करेंगे वहीं से आपका पैनल निकल के आ जाएगा। ये देखिए, आप नीचे से भी डाउन करेंगे तो भी पैनल निकल के आ जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपका डिवाइस सही हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।